हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप खुश हो, हैप्पी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक और जोडियाक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लियोज के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लियो है, आपका सन मून राइजिंग वीनस कहीं पे भी, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग है आपका जुलाई 1 से लेके जुलाई 15, 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी, पहले हम लोग देखेंगे लियोज आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेज या एडवाइस जो रहेगा आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स। सो लेट्स सी लियोज इन लव स्पिरिट, लियोज इन लव। ओके, सो आई हैव द 9 of Cups, ब्यूटिफुल एनर्जी, 9 of Pentacles, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे नाइन्स हैं यहाँ पे। आप कुछ कंप्लीट कर रहे हो, आई फील कंप्लीशन ऑफ साइकिल्स। आप कुछ चीज़ को, कुछ लोग यहाँ पे पीछे छोड़ के आ रहे हो। एंड या 6 of Swords, यस, ज़रूरी नहीं है कि वो एक रिलेशनशिप ही हो सकता है कोई भी झगड़ा झंझट झमेला अपने पार्टनर के साथ, या कोई हो सकता है कोई एक्स हो सकता है कोई ख़राब रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस हो। बट आप डेफिनेटली किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो लाइफ में, अपने लव लाइफ में इस वक्त लियो। एंड आप जो भी कर रहे हो आप सोच समझ के कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है, इस ये जो टाइम है आपका, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा मैच्योरली डील कर रहे हो अपने सिचुएशन से। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, या आप कुछ भी जल्दबाजी में नहीं कर रहे हो, बिना सोचे बिना समझे आप कुछ बड़े एक्शन रिएक्शन नहीं कर रहे हो। बट आई व्हाट आई सी हियर लियो इज़ दैट जो लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे किसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए, किसी पास्ट एक्सपीरियंस को, किसी पुराने रिलेशनशिप को, किसी टॉक्सिक एक्स, या अगर आपका कोई रिलेशनशिप है जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, झगड़ा झमेला जो भी है, आई थिंक आप फाइनली उस चीज़ को ओवरकम कर रहे हो, ठीक है। आप फाइनली डिसाइड कर रहे हो कि ये सिचुएशन ओवरकम करना इम्पॉर्टेंट है। सो बहुत लोगों के लिए ये इनर कॉन्फ्लिक्ट है, ये कोई बाहर का सिचुएशन नहीं है, ये आपके मन का सिचुएशन है। आप खुश नहीं थे, आप कॉन्फ्लिक्टेड थे, आप दुखी थे, या आप इरिटेटेड थे, जो भी थे, आई थिंक आप उस एनर्जी को क्लियर कर रहे हो। सो बेसिकली आप जो अपना जो एनर्जी है उसको काफ़ी क्लियर कर रहे हो, आप अपना स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने लिए जगह बना रहे हो, सेल्फ लव हीलिंग जो भी कहना चाहो आप उसे। बट आई ऑल्सो सी दैट देयर इज़ समथिंग जो आपका विश फुलफिल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए ये आपका मैरिज है, मे बी आप शादी करना चाह रहे हो, या आप अपना शादी का वेट कर रहे हो यहाँ पे, मे बी आपकी शादी की बात चल रही है। सो आई कैन सी दैट यहाँ पे कुछ लोगों की शादियाँ हो रही है, या आपका जो मे बी रोका हो रहा है, एंगेजमेंट हो रहा है, या फिर आप अगर अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी देखना चाहते थे, कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप में आपको वो स्टेबिलिटी मिल रहा है किसी पर्सन से, या फिर ये आप खुद स्टेबल फील कर रहे हो अपने आप में, आप खुद स्टेबल फील कर रहे हो जो आप पहले नहीं कर रहे थे। पहले मे बी आप एक स्टॉर्म के अंदर थे, आपके लिए सब कुछ बहुत ही कन्फ्यूजिंग था, बहुत ही लाइक इम्बैलेंस्ड था। बट आई फील दैट लियो धीरे धीरे वो बैलेंस वापस आ रहा है आपके लाइफ में, यू नो, जो बहुत ही पॉजिटिव है। एंड आप इस एनर्जी में हो जहाँ पे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप अपने लिए वो स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। सो अपने एनर्जी पे ध्यान दो, आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, आप कहाँ पे अपना टाइम इस्तेमाल कर रहे हो, सारी चीज़ों पे ध्यान दिया करो। वाओ, किंग ऑफ कप्स लियो, एस ऑफ कप्स, ओ द डेविल, ये आपकी पर्सन की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये जो भी पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हो या कर रहे थे पास्ट में, आई कैन सी दैट ये पर्सन अभी भी ऑब्सेस्ड है आपसे, अगर या फिर को डिपेंडेंट है, ठीक है। ओके, या द एम्परर इन रिवर्स, को डिपेंडेंसीज लियो, ये पर्सन को डिपेंडेंट है, काइंड ऑफ जेलस है, काइंड ऑफ कंट्रोल करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। बट हर किसी के लिए नहीं, अगर ये आपका स्टोरी है, आपको पता है ये आप हो,
सो व्हाट आई रियली सी इज़ दैट यहाँ पे दो तीन तरह के सिचुएशन नज़र आ रहा है मुझे. सो आपको जो सबसे ज़्यादा रेजोनेट करे जानना वो आपके लिए है. सो फर्स्टली मुझे दिख रहा है कुछ लोग, आपका पार्टनर या जिनसे आप डील कर रहे हो, वो काइंड ऑफ ओब्सेस्ड है आपसे. ठीक है, वो काइंड ऑफ आपको ब्लेम भी करते हैं, एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको बहुत याद करते हैं. ठीक है, सो ये जो भी हुआ उसका जिम्मेदारी खुद के सर पे नहीं लेना चाहते, बट इनको हमेशा ये विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं कि लियो ने मेरे साथ ऐसा किया था, लियो ने गलत किया है इसीलिए हमारा ऐसा हो गया या जो भी है. एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको मिस करते हैं कि काश लियो होती मेरे पास, काश लियो के साथ मैं ये शेयर कर पाता, काश लियो मुझे समझता, काश ये वो हज़ारों चीज़ें. सो ये बहुत ही एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ये बहुत ही एक लाइक नेगेटिव एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन खुद कुछ भी किसी भी चीज़ का जिम्मेदारी नहीं लेते हैं. एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको मिस करते हैं, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं या जो भी करते हैं. सो ये कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है. ठीक है, बाकियों के लिए आई कैन सी दैट यहाँ पे यहाँ पे भी दो सिनारियो है. आई कैन सी दैट कुछ लोगों के लिए पहली बात तो ऑफर्स आने वाले हैं, नए ऑफर्स, नया लव, नए लोग, चाहे वो शादी के लिए ऑफर्स आए, चाहे वो रिलेशनशिप का ऑफर हो, चाहे वो जो भी हो, एंगेजमेंट, व्हाटएवर. सो आई कैन सी न्यू ऑफर्स. एंड ये जो भी नए ऑफर्स है इसमें से आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं टू सिलेक्ट फ्रॉम. सो आपको एक साथ में भी बहुत सारा रिश्ता आए, आपको एक साथ बहुत सारे लोगों का प्रपोजल आए, या बेसिकली आपके पास ऑप्शंस होगा लियो इस महीने टू चूज फ्रॉम. ठीक है, एंड मे बी एक से ज़्यादा लोग आएंगे आपके तरफ, वो भी हो सकता है, ऑब्वियसली तभी तो ऑप्शंस होंगे. सो इट्स अप टू यू कि आप किसको चूज़ करोगे, आप किसके साथ जाना चाहोगे, नए लोगों के साथ, पुराने लोगों के साथ, या नए लोगों में किसके साथ, जो भी है आपका ऑप्शन. सो आई कैन सी लियो आपका लव लाइफ में बहुत सारे ऑफर्स, आई कैन सी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो. आई कैन सी दैट ये कनेक्शन काफ़ी स्टेबल होने वाला है आने वाले दिनों में. ये पर्सन या तो आपको प्रपोज करने वाले हैं, या तो ये पर्सन इस कनेक्शन को नेक्स्ट स्टेज तक लेके जाना चाहते हैं. कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला जो पर्सन है ये आपके सोलमेट हो सकते हैं. सो उस पर ध्यान देना है आपको. सो दैट इज़ वॉट आई सी हियर. बट जो भी है, इट्स अ लॉट हैपनिंग लियो, इट्स अ लॉट. कुछ लोग डिवोर्स ले रहे हो, या आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो किसी से डिवोर्स ले रहे हैं या लेना चाहते हैं. ठीक है, बट जो लोग सिंगल हो, आई कैन सी दैट आपका लव लाइफ बहुत ही एक्शन से भरा है इस जुलाई. सो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. और कुछ लोगों के लिए आपका ड्रीम पार्टनर आपको मिल सकते हैं ऑप्शंस में से. आपके पास तो ऑप्शंस होंगे ही. एंड अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, आई कैन सी दैट ये कनेक्शन काफ़ी स्टेबल हो रहा है, नेक्स्ट स्टेज पे जा रहा है ये कनेक्शन. सो जो भी है काफ़ी पॉजिटिव है. बट जिन लोगों के लिए ये पर्सन वो ऑब्सेसिव एक्स है, या कोई ऐसे पर्सन है जो कंटिन्यूसली आपको ब्लेम करते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना नहीं चाहते इस कनेक्शन का, आप इस पर्सन को चेंज नहीं कर सकते लियो. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. एंड आपको अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देना ही पड़ेगा. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी कि आपके करियर सिचुएशन में हम लोग क्या देख सकते हैं, करियर, फाइनेंस एंड ऑल दैट. ठीक है, ओके. Career and finances for my Leos. Six of Stones, balance. Ace of Wands, Three of Stones. ठीक है, ओके.
सो व्हाट आई सी लियो इज आपका करियर और आपका फाइनेंसेस. समबडी इज हेल्पिंग यू आउट हियर, ठीक है, चाहे वो कोई फ्रेंड, कलीग, फैमिली रिलेटिव जो भी हो, या आप खुद हो सकते हैं. दैट आप एक ऐसे सिचुएशन में थे जो आपके लिए काफ़ी डिप्रेसिंग था, जो आपके लिए काफ़ी आपको लग रहा था कि आप फेल हो गए हो, आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाओगे, या फिर आप सक्सेस को नहीं देख पाओगे, या लाइक आप टूट चुके थे. आप एक ऐसे सिचुएशन में थे पास्ट में, या अभी भी हो, जहाँ पे आप टूट चुके थे, ठीक है. हो सकता है वो फिनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, हो सकता है वो आपके करियर के वजह से, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. सो आई कैन सी दैट उस जगह से आप खुद को निकाल रहे हो, या कोई है आपके लाइफ में जो आपको हेल्प कर रहा है उस जगह से निकलने में, ओके, वो बैलेंस को वापस रिस्टोर करने में आपके लाइफ में, उस डिप्रेसिंग या नेगेटिव सिचुएशन से आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा है कोई, या आप खुद को लेके जा रहे हो, जो बहुत पॉजिटिव है. सो आई कैन सी दैट आपके लिए ये एक न्यू बिगेनिंग जैसा है, बिकॉज़ आप स्टार्ट कर रहे हो, आप अपना करियर अपना फिर से स्टार्ट कर रहे हो, जहाँ पे आप हार चुके थे आप वहीं से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है. एंड इसमें कुछ भी फेक नहीं है, इसमें कुछ भी आप ओवर थिंक नहीं कर रहे हो, या कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप एकदम ओरिजिनली मेहनत कर रहे हो, ओरिजिनली आप डिटर्मिनेशन खुद को दे रहे हो. ऑब्वियसली एक दिन में ये पॉसिबल नहीं है, ये धीरे धीरे ही आप कर रहे हो, बट ये पॉजिटिव है लियो. सो यू आर ब्रिंगिंग दैट बैलेंस बैक इन योर लाइफ, ठीक है. नेक्स्ट व्हाट आई सी इज दैट कंपटीशन हो सकता है इस महीने आपके आसपास, ठीक है. सो आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो या जो भी करते हो, इट्स अप टू यू. आपके आसपास काफ़ी सारा कंपटीशन होगा. सो लोग होंगे जो आपसे कंपीट करना चाहेंगे, या लोग होंगे जो ये दिखाना चाहेंगे आपको दैट वो आपसे बेहतर है, या वो बहुत ही महान है, या उनके पास बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जो आपके पास नहीं है. सो थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है दैट ऐसे लोग हो आपके आसपास. बट लियो, डू नॉट फर्गेट कि आप कौन है, उसको भूल मत जाना, एंड थिंग्स विल बी ऑल राइट. ज़रूरी नहीं है कि आपको भी उठ के कम्पीट करना पड़ेगा, या आपको जाके हर बार अपना लाइक सबूत देना पड़ेगा क्या हो कौन हो. इट्स जस्ट कि अगर आप बिलीव करते हो आप कौन हो, आप जानते हो, आप डिटरमाइंड हो, देन इट्स ऑल गुड, ठीक है. सो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोले, लोग ये वो बोलने दो, डजेंट मैटर, ठीक है. स्पेशली आपके काम और आपके फाइनेंसेस में, बिकॉज दैट इज़ वॉट वी आर सीइंग. सो ओवरऑल मुझे जो दिख रहा है इस दैट लियो, आपका जो बैलेंस खो गया था वो रिस्टोर हो रहा है. जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा था कि यहाँ पे फेलियर हो चुका है, यहाँ से मैं उठ के खड़ा नहीं हो पाऊँगा, आप वहीं से उठ के खड़े हो रहे हो, आप वहीं से फिर से स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी, जो जिसमें बहुत हिम्मत लगता है, ऑफकोर्स जिसमें बहुत हिम्मत लगता है, एंड आप वो हिम्मत दिखा रहे हो. एंड जो भी ये कंपटीशन है, जो भी यहाँ पे लोग हैं जो दिखाना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं कि वो आपसे बड़े हैं, वो आपसे महान है, जो भी है, उनको होने दो, ठीक है. जस्ट अपना पावर, अपना रिस्पेक्ट, अपना जगह मत भूलना, एंड कोई भी आपको बॉदर नहीं कर सकता, ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी दैट हम लोग आपके लिए क्या मैसेजेस देख सकते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स. लेट्स सी. ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स. ओके, आप एक कदम पीछे हो कुछ एक नई जिंदगी से, ठीक है. सो जो लोग यहाँ पे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, कि अच्छा ये नया होने वाला है, या ये नया हो सकता है, या मैं मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ के पीछे, ये कुछ भी हो सकता है, ये जनरल मैसेजेस है. सो ये लव, फ्रेंडशिप, फैमिली, फाइनेंस, कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको रेजोनेट करे वैसे समझो. बेसिकली अगर आप सोच रहे हो कुछ नया स्टार्ट करना है, कुछ नया करना है, कुछ ड्रीम्स है, या किसी चीज़ के पीछे मेहनत कर रहे हो, ये बस थोड़ा सा और पेशेंस रखना है, थोड़ा सा और डटे रहना है बस,
इट्स वेरी क्लोज, इट्स वेरी क्लोज, ठीक है। सो जो लोग गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो, स्पेशली उन लोगों के लिए, इस बार अगर आप गिव अप कर दोगे आपको बाद में रिग्रेट होगा, सो वो मत करना, बिकॉज आप बहुत क्लोज पहुंच चुके हो। ओके, आई कैन सी दैट बहुत सारे लोगों के लिए आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका भला नहीं चाहते हैं, बट वो प्रिटेंड करते हैं दैट वो आपके दोस्त है, वो प्रिटेंड करते हैं दैट नहीं, लाइक वो सही बोल रहे हैं, सही है आपके लिए, बिकॉज यू सी हाउ यू सी दिस स्नेक्स, यहाँ पे स्नेक्स दिख रहे हैं आपको, एंड यू सी दिस एनिमल, ये डर के मारे छुप रहा है इन पेंटिकल्स के पीछे, बिकॉज यहाँ पे इतने सारे स्नेक्स हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि आप छुप रहे हो या आपको लग रहा है दैट आप डेंजर में हो। आप इसलिए नहीं छुप रहे हो बिकॉज आप डरपोक हो, बट आपको पता है दैट यहाँ पे डेंजर है, यहाँ पे जाओगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा, आप बचोगे नहीं, बिकॉज ये लोग डेंजरस है, ये सिचुएशन डेंजरस है, ये जो भी है ये डेंजरस है, लियो। सो व्हाट आई वुड लाइक टू से इज़ दैट कि जो लोग लाइक आपके सामने बहुत कुछ खुलासा होगा, ठीक है, आपके सामने खुलासा होगा, द यूनिवर्स विल प्रोटेक्ट यू। अगर आप ध्यान से देखो इस पूरे स्प्रेड को, आई लाइक टू टेल यू समथिंग जो मैं कभी किसी भी रीडिंग में नहीं कहती हूँ, इसको छोड़ो, इफ़ यू सी दीज थ्री कार्ड्स, या ये स्नेक्स दिख रहा है आपको, ये डियर दिख रहा है आपको, ओके लेट मी शो यू, ये डियर दिख रहा है आपको जो डर के मारे छुप रहा है, एंड यू सी दिस कार्ड, यू सी दिस कार्ड, दिस पर्सन इज काइंड ऑफ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दिस डियर, दिस एनिमल। सो आप वैसे अगर देख पा रहे हो, आई डोंट नो, बट अकॉर्डिंग टू माई इंट्यूशन आई कैन टेल यू दैट यू आर बींग प्रोटेक्टेड, लियो, ठीक है, आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो गाइड्स हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो डोंट वरी, आपको छुपना नहीं है, आपको अपना अपना असलियत छुपाना नहीं है, आपको डरना नहीं है किसी भी सिचुएशन से, ठीक है। एंड जो भी ये लोग हैं जो आपके पीठ पीछे बोलते हैं या बुरे हैं या जो भी फेकनेस है, जो भी फेक लोग हैं, वो धीरे धीरे करके उनका खुलासा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, धीरे धीरे करके आपको पता चल जाएगा कि वो कौन लोग हैं, वो कौन है जो आपके लाइक जहाँ से आपको भागना है, जो आपको इग्नोर करना है, जहाँ से आपको मूव ऑन करना है, जो आपको पीछे छोड़ना है, ठीक है। एंड आप प्रोटेक्टेड हो, ये आपको बिलीव करना है। सो हैव फेथ, आगे बढ़ते रहो, बिकॉज आप बहुत क्लोज हो अपने न्यू बिगेनिंग, अपना न्यू चैप्टर, अपना न्यू लाइफ से, एंड इस बार आपको हार नहीं मानना है, नो मैटर वॉट। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर, एंड या सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर ये रेजोनेट करे प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाई।